हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो स्किल एंड क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट मोशन एंड टाइम व्हिच बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी बुक। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको मोशन और टाइम से रिलेटेड आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज मोशन, व्हाट आर इट्स एग्जांपल एंड हाउ मेनी टाइप्स आर दी मोशन। ओके, सो लेट्स बी स्टार्ट। मोशन, मोशन मीन्स होता है गति। क्या होता है? गति। कोई वस्तु कब मोशन में कहलाएगी? लेट्स बी सी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इन मोशन। मीन्स जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ साथ बदलती रहे तो उस वस्तु को हम गति की अवस्था में मानते हैं, इन मोशन मानते हैं। मीन्स व्हाट दी व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज इन मोशन। ओके, लेट्स बी सी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इन मोशन। ओके, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में क्या करे, परिवर्तन करती रहे, तो उसे हम क्या मानते हैं? गति की अवस्था में मानते हैं। ओके, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है दैट ट्रेवल 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ओके, सो इट ट्रेवल 30 किलोमीटर इन 3 आवर। तो हम देख क्या रहे हैं कि समय बदल रहा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 किलोमीटर, तो समय बदल रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर इन 1 आवर, तो समय बदल रहा है। उसके साथ साथ हमारा इसकी स्थिति क्या हो रही है? बदल रही है। इट मीन्स दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। डियर स्टूडेंट्स, मोशंस आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। ओके, मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। नंबर 2, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसको बोलते हैं एक समान गति, एक समान गति, इसको असमान गति। लेट्स बी सी व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। हम क्या देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है? डिस्टेंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस कॉल्ड एज मोशन। बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन
व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स व्हाट? जब कोई वस्तु एक समान दूरी एक समान समय में तय करे तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एक समान दूरी एक समान समय में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट दिस इज अ मैन, इट ट्रेवल 2 किलोमीटर टेन किलोमीटर इन 2 आवर। ओके, 15 किलोमीटर इन 3 आवर, 20 किलोमीटर इन 4 आवर। सो एंड 5 किलोमीटर इन 1 आवर। सो दिस मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक आवर में एक ही किलोमीटर को ट्रेवल कर रहा है, और एक कंटिन्यूटी क्या है, चली जा रही है 1 आवर में 1 किलोमीटर, 2 आवर में 2, 3। सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस एंड सेकंड थिंग इज दैट इन यूनिफॉर्म मोशन the time distance graph be obtained a straight plot। अर्थात यदि हम डिस्टेंस और टाइम के बीच क्या करें, ग्राफ खींचे, तो हमको क्या मिलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये क्या दिखाती है, यूनिफॉर्म मोशन दिखाती है, यूनिफॉर्म मोशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ओके, नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक समान दूरी असमान समय में तय करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल करता है, 10 किलोमीटर 3 आवर में ट्रेवल करता है, 15 किलोमीटर 4 आवर में ट्रेवल करता है, और 20 किलोमीटर 6 आवर में ट्रेवल करता है। तो इस तरह हम देख क्या रहे हैं कि डिस्टेंस हमारा इक्वल है बट टाइम क्या है, अनइक्वल है। सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन
बी आपका है ना जिगजैग प्लॉट। जब हम क्या करते हैं टाइम और डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो हमें क्या मिलता है, टेढ़ा मेढ़ा क्या मिलता है, प्लॉट मिलता है। ये क्या बताता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मोशन एंड इट्स टाइप। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।